गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 1.7। लेट्स स्पीक, यानी आपको यहाँ पे बोलना है। लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट, सुनना है, रिपीट करना है और उसको वैसे ही एक्ट करना है। अश्विन, मे आई गो हाउ टू प्ले आई? नाउ अश्विन इज आस्किंग इज मदर, आई मतलब माँ, अश्विन अपनी माँ से पूछ रहा है, मे आई गो हाउ टू प्ले, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? आई, यस यू मे, माँ बोल रही है, ओके यू कैन गो। तो यहाँ पे अश्विनी अपने माँ से पूछ रही है, क्या मैं खेलने जा सकती हूँ? सी अ पिक्चर, दिस इज अश्विनी एंड दैट इज अ मदर। अश्विनी, बाबा आई वॉन्ट टू हीट अ पीस ऑफ केक, मे आई? अश्विन इज आस्किंग अ फादर, बाबा आई वॉन्ट अ पीस ऑफ केक, मुझे एक पीस ऑफ केक चाहिए, क्या मैं खा सकती हूँ? परमिशन पूछ रही है, देखो मे आई, क्या मैं खा सकती हूँ? यहाँ पे भी वो अपने माँ से पहले परमिशन पूछ रही है, क्या मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ? बाबा, यस यू मे बट आफ्टर डिनर एंड देन ब्रश योर टीथ। तो व्हाट बाबा इज सेइंग, हाँ यू मे कैन हीट, तुम केक खा सकती हो लेकिन खाना खाने के बाद, और उसके बाद खाने के बाद, केक खाने के बाद तुम्हें ब्रश करना है अपने दांतों को। अश्विनी बोलती है, ओके बाबा, नाउ शी इज सेइंग ओके। नाउ सी हियर इन द नेक्स्ट थर्ड पिक्चर, मोहिनी, मे आई हैव टू टिकेट्स प्लीज? मोहिनी, सी हियर गर्ल कॉल्ड मोहिनी, वो जू में जा रही है, सी ये पिक्चर, वहाँ पे टिकट जो काउंटर होता है वहाँ पे वो टिकट काउंटर के आदमी से पूछती है, मे आई हैव टू टिकेट्स प्लीज? तो व्हाट इज सेइंग टिकट सेलर, यस यू मे, ओके यस यू मे हियर दे हैव, यस हाँ तुम ले सकती हो दो टिकट, और उस वो दो टिकट दे देता है मोहिनी को। थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर, सी टीना, मे आई बोरो योर पेंसिल? ना टीना पूछ रही है रीना से, क्या मैं पेंसिल ले सकती हूँ? रीना से यस श्योर ईयर इट इज, ना रीना से यस ले लो ईयर इट इज, ये ले लो इधर रखा है। टीना सिंह, थैंक यू रीना। अभी सीन दिस लास्ट पिक्चर, श्याम, श्याम मे आई प्लग दोज फ्लावर्स? श्याम इज आस्किंग, क्या मैं फ्लावर्स को प्लग कर सकता हूँ गार्डन से फ्लावर्स से? ये छोटा सा लड़का है नेम्ड श्याम, तो इस आस्किंग कैन आई प्लग दोज फ्लावर्स, किससे पूछ रहा है? माली से, गार्डनर, ओके इज टेकिंग केयर ऑफ द गार्डनर, द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डनर गार्डन इज कॉल्ड एज अ गार्डनर। तो गार्डनर क्या बोलते हैं, सॉरी यू मे नॉट बोलते, क्या बोलते हो, सॉरी तुम यहाँ से फूल नहीं निकाल सकते हो। तो दिस आर द कॉन्वर्सेशन बिटवीन, यहाँ के फर्स्ट में तीन पैराज में पिक्चर में कॉन्वर्सेशन हो रहा है आई और माँ के बीच फर्स्ट वाला, सेकेंड है अश्विनी और उसके बाबा पिताजी से, फर्स्ट सेकेंड है अश्विनी और बाबा से हो रही है, और थर्ड है मोहिनी और टिकट सेलर, फोर्थ इज टीना रीना टीन, ओके देन इट इज अ गार्डनर एंड शाम। यहाँ पे आपने एक नोटिस किया होगा, देखिए यहाँ पे जो पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, मतलब आप किसी से कुछ भी चाहते हो, आपको कुछ चाहिए रहेगा उनसे, मदद चाहिए या कुछ चीज़ें चाहिए, तो आपको पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कैन आई, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, ये सब शब्द बहुत ही प्रभावित करते हैं लोगों को, उनसे लगता है कि आप कितने अच्छे और पोलाइट संस्कारी बच्चे हैं। तो दिस हेल्प्स कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा इट विल बी सॉर्ट आउट बाय दिस वर्ड्स, तो एक मैजिकल वर्ड्स माना जाता है इसको, द पोलाइट वर्ड्स। तो यहाँ पे भी पोलाइटनेस दिखाया गया है, बच्चे अपने माँ से पूछ रही है अश्विनी, कैन आई प्ले, मैं बाहर जाके खेल सकती हूँ क्या? पोलाइटली शी इज आस्किंग, तो माँ क्या बोल रही है, यस यू मे, तुम जा सकती हो। देन इट अश्विनी अपने पापा से पूछ रही है, क्या मैं केक खा सकती हूँ?
पोलाइटली शी इज आस्किंग अवर फादर कि मैं केक खा सकते, कैन आई ईट द पीस ऑफ केक, मे हाय परमिशन पूछ रही है अपने पापा से, क्या मैं खा सकती हूँ। तो बाबा क्या बोलते हैं, हाँ तुम खा सकती हो, लेकिन खाना खाने के बाद डिनर के बाद और उसके बाद तुम्हें ब्रश करके सोना है। तो अश्विनी इस बात को मान जाती है। नाउ हियर ऑल्सो सी, मे आई हैव टू टिकट प्लीज़, क्या मुझे दो टिकट मिल सकते हैं प्लीज़, शी इज़ आस्किंग। द टिकट सेलर इज़ सेइंग यस यू मे कैन, हियर दे आर, इस तरह बोलते हुए नहीं सिर्फ सो पोलाइटली दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, कहीं पे भी आपको यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में बातचीत में कहीं पे भी रफनेस नज़र नहीं आ रहा है। एक बात करने का तरीका है, किसी से कुछ पूछने का तरीका है, एंड दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा होता है। ये आप लोगों को भी सीखना है, जब आप कुछ चाहिए है, कुछ खाना है, किसी से कुछ चीज़ चाहिए, किसी से कोई मदद चाहिए, तो आपको ये पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, पोलाइटली आपको बात करना है, तो आपका सामने वाला भी आपको बहुत पोलाइटली ही आपको रिप्लाई देगा, इनकार नहीं कर। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है, नहीं उसे ये करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, तो इसके लिए वो इनकार करेंगे, बट पोलाइटली आपको आपका दिल ना दुखाते हुए। ओके, ना यहाँ पे टीना अपने फ्रेंड से रीना से पेंसिल मांग रही है, तो टीना उसको पेंसिल दे रही है। यहाँ पे देखो गार्डनर से माली से क्या है, गार्डन में से फ्लावर मांग रहे, तो फ्लावर्स प्लक नहीं किया जाता, मोस्टली फ्लावर्स ऐसे रखा जाता है बिकॉज वो एक इसको है, ये करता है खूबसूरती बढ़ाता है। फ्लावर्स वगैरह अगर बगीचे में हो तो बगीचा काफ़ी खूबसूरत दिखता है, तो वी डोंट अननेसेसरी हमें फ्लावर्स हो पत्ते हो प्लक नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो गार्डनर उनको उसको क्या कहते हैं शाम को कि नहीं यहाँ से फ्लावर्स तो नहीं सिखा ले सकते हो। तो दिस आर द थिंग्स वी कैन स्पीक पोलाइटली, इफ़ यू वॉन्ट टू विश टू गेट समथिंग फ्रॉम एनीबडी बी पोलाइट, अच्छे पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। मैंने बताया जैसे एक्सक्यूज़ मी है, सॉरी है, थैंक यू है, प्लीज़ मे हाय, ये सब चीज़ें क्या है मैजिकल वर्ड या पोलाइट वर्ड्स माना जाता है। ओके, दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न यहाँ के कि हमें पोलाइटली बात करना है। थैंक यू।